हमारे साथ हैं बसपा के सांसद मलुक नागर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो सामान्य बातें थी जो हर साल सुनते आए हैं, उनमें बहुत सारी बातें सुन रहे थे और कुछ बातें ऐसी हैं जो, क्योंकि तो सरकार अप्रूव करके देती है, कैबिनेट में पास होकर जाता, पढ़ा जाता केवल। लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी जो जम्मू कश्मीर में या देश के बाउंड्री पे या पाकिस्तान हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो गाँव हैं उनको पहले देश का आखिरी गांव कहा जाता था, और आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो वहां गुजर मुसलमान या गुजर बकरवाल रहते हैं, देश का पहला गांव कहा गया है। ये उनके लिए, क्योंकि वो देश के लिए बगैर तनख्वाह लिए हुए लड़ते हैं, मरते हैं, जूझते हैं, भिड़ते हैं, ये उनके लिए एक अच्छी बात है, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। विपक्ष के कई सांसद कह रहे हैं कि चुनावी भाषण है, चुनावी बजट है, उसके लिहाज से जो है, देखिए तो सरकार लिखती है चुनाव 3 महीने बाद सर पे खड़े है, तो चुनाव के समय पे चुनावी भाषण तो होगा ही, और राजनीति करते हैं तो राजनीति भी इसमें होगी, ये तो बात सही है, सामान्य बात। हमारे साथ है बसपा के सांसद दानिश अली। राष्ट्रपति का अभिभाषण जो हुआ क्या कहेंगे? कोई नई चीज नहीं थी, वही पुराना लिखा हुआ जो सरकार ने दिया वो रिपीट किया गया, कोई नई चीज नहीं उसमें दिखाई दी। पूरी उपलब्धियां गिनाई गई, 1.25 घंटे तक जो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड था उन्होंने रखा, हर जगह विकास के मोर्चे के बात कही, आप करे कोई नए? अब बताइए, अब जब सरकार कह रही है कि रोजगार की गंगा बह गई, तो कहाँ वो रोजगार मिले हैं, किसको मिले हैं? देश का नौजवान तो सड़कों पर है, तो मैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ है ही नहीं। लेकिन वो कह रहे कि किसानों की आमदनी भी बढ़ी है, एमएसएमई भी बड़ा है, साथ में ये भी कह रहे कि प्रतिष्ठा भी हो गया, इतिहास में कैसा वक्त आया 22 जनवरी का, बता रहे रामलला। अब किसानों की आमदनी कहाँ दोगुनी हुई है? 2022 में दोगुनी करने की बात हुई थी, पता नहीं कौन से किसान की आमदनी दोगुनी हुई है। अगर इनकी निगाह में पूंजीपति लोग किसान हैं तो उनकी आमदनी दोगुनी हुई है तो बात ठीक है। और 22 जनवरी को हाँ एक काम जरूर हुआ कि इस देश के जो शंकराचार्य हैं उनको नहीं बुला करके देश में एक नई परंपरा, देश ने प्रधानमंत्री चुना, देश ने हेड प्रीस्ट नहीं चुना, धार्मिक काम धार्मिक लोगों का है, राजनीति लोगों का नहीं है। विकास का कहने का ग्रोथ भी बड़ा है, 7.5% दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। कहाँ हो रही है, कौन सा विकास बढ़ा है? विकास हुआ है हाँ, सरकार के कुछ पूंजीपति दोस्तों का विकास जरूर हुआ है। एक अंतिम सवाल की सरकार ये भी करके हुड़दंगी सांसदों को पश्चाताप करना चाहिए, आप चिंतन करना चाहिए। अब कौन उनकी निगाह में, अगर सरकार से सवाल पूछने वाले हुड़दंगी हैं तो बात अलग है, सरकार से तो सवाल पूछे जाएंगे। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला। राष्ट्रपति का अभिभाषण को कैसे देखते हैं? नहीं, राष्ट्रपति का भाषण जो है, राष्ट्रपति जी के प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन भाषण तो सरकार लिख के देती है, सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है, वही सब बातें जो कहते रहे कि हमने ये किया, ये किया, अपना गुणगान किया है, तो इसलिए उसमें तो कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, जब राम मंदिर का जिक्र आया तो हम सब ने मेज थपथपाई, सोनिया जी ने मेज थपथपाई, क्योंकि हम सब राम मंदिर के पक्ष में थे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद हमने स्वयं कहा था, वर्किंग कमेटी ने कांग्रेस की, क्या भव्य मंदिर का निर्माण हो, तो हम राम मंदिर के तो पक्ष में, सोनिया जी भी मेज थपथपाई उसमें, और जो है, और हम उस दिन के फंक्शन में होने गए क्योंकि वो पार्टी का फंक्शन बना दिया गया। लेकिन ये सारे जो क्रेडिट जो मोदी सरकार, लेकिन मोदी जी की वजह से वो है कि सारा श्रेय ले लें वो अलग चीज है, उसके लिए हम लोग जो है जनता में अपनी बात रखें। लेकिन एक अंतिम सवाल की सरकार ये दावा करेगी विकास हर तरफ बढ़े, 7.5% से लोगों को नौकरी मिल रही है, इंडस्ट्रीज हो रहे, सब दावे हैं लेकिन जमीन पे हकीकत ये नहीं है। नौकरी मिल रही है, उद्योग धंधे बन रहे हैं, दुनिया में नाम हो रहा है सरकार की तरफ, वो अपनी ढाक अपनी बजाते हैं। मैं तो एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, वो बंगाल में देखिए 100 डेज जॉब वर्कर्स को रुपया नहीं देते, ग्रामीण आवास योजना को रुपया नहीं देते, उन्होंने हेल्थ मिशन का रुपया नहीं देते हैं, और ट्राइंग टू इकोनॉमिकली ब्लॉकेड द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मैं उनको पूछा आज ही हाउस में, जब प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर आए थे आपको पास, हम लोग मिले थे, आपने रुपया क्यों नहीं देते हैं? उन्होंने बताया CAG रिपोर्ट आप एक बार देख लीजिए। मैं ये उनको नहीं बोल पाया कि CAG रिपोर्ट इज नेवर टेकन एज ए फाइनल रिपोर्ट,
सर 22 जनवरी को इतिहास का दिन बता रहे हैं कि रामलला का स्थापना का अयोध्या में, ठीक है बोला तो ठीक है उनका पार्टी के लिए, राम मंदिर का तो हम लोग खिलाफ में नहीं है, लेकिन कोई किसी को तोड़ के कोई मंदिर बनाओ, कोई किसी को तोड़ के मस्जिद बनाओ, चर्च बनाओ, ये सब हम लोग मानते नहीं। तो राम मंदिर बना तो बना, ठीक है, मंदिर तो हम लोग खिलाफ में नहीं है। एक अंतिम सवाल है कि बंगाल में खासतौर से राहुल गांधी को न्याय यात्रा को लेकर कई जगह परमिशन नहीं मिल रही है, कहा जा रहा है कि जानबूझकर इस तरह किया जा रहा है। मैं दिल्ली में हूँ, मैं नहीं बोल पाएंगे, ऐसा हो सकता कि ममता जी का पास कोई खबर नहीं थे कि राहुल जी आते हैं, और इसी छोटा काम करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार कुछ करेंगे ये मैं विश्वास नहीं करता। हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या कहेंगे सर? राष्ट्रपति के अभिभाषण में बस इतनी कमी रह गई थी, ये कह देना चाहिए था कि भारत में सूर्य पहली बार तब हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सच्चाई से कोसों दूर महंगाई कम हो गई, बेरोजगारी कम हो गई, ये सब बातें महामहिम राष्ट्र के प्रति पूरा आभार व्यक्त करते हुए, पूरा उनके प्रति आदर व्यक्त हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, ये झूठ का पुलिंदा था। तो मतलब क्या आपको चुनाव की सुगुहाट नजर आ रही? ये चुनाव के पहले दिया गया, बनाया गया एक माहौल। लेकिन सरकार का उसे दावा है कि लगातार विकास हो रहे हैं, इतने हर जगह विकास की गंगा भर रही है। मैं कहता रहा हूँ जमीनी हकीकत से दूर है, बस इतना कहना रह गया था कि सूर्य तब उदय हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री। लेकिन एक और चीज बताए कि जिस तरह के 2022 का जो है रामलला स्थापित हुए 22 जनवरी को लेकर बात कही गई, सुने जी ने इसीलिए तो जब राम मंदिर का जिक्र आया मेजर सप्तपाई और स्वागत किया। तो ये थे कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।